हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के 8 बज गए और आप सबको मिलते हैं राम राम जी। और ब्लॉग की एडिटिंग हो चुकी है और बस अभी रेंडर लगा हुआ, तो जैसे ही रेंडर हो जाएगा फिर मैं वीडियो को अपलोड कर दूँगी। और मन्नू की तबीयत ख़राब थी ना, तो मन्नू से स्कूल नहीं गया, मतलब उठा नहीं है और सो रहा है वो, तो मैं चल उसको दवाई दूँगी, दिला दूँगी। और लवण्या भी अब सो गई है और मैं भी सोई नहीं हूँ, मेरी भी नींद भी पूरी हुई है। तो बस वीडियो अपलोड करके मशीन लगा के फिर मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर उसके बाद काम करूँगी। तो मैं गई थी क्या कहते वॉशरूम में मशीन लगाने के लिए, तो पानी नहीं आ रहा ताज़ा पानी। कल शाम को भी नहीं आया था, तो अभी चेक किया तो अभी भी नहीं पानी आ रहा। अगर मैं मशीन लगा दूँगी ना, तो जो टैंकी में पानी है बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने मशीन लगाया नहीं। जब अगर ताज़ा पानी शाम को है तो शाम को धो लूँगी कपड़े। बस वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, रेंडर वगैरह सब कुछ हो गया, बस वीडियो अपलोड करके फिर देखती हूँ थोड़ी देर, एक दो घंटे सो जाऊँगी। फिर उसके बाद मन्नू भी जब उठेगा तब ब्रेकफास्ट बनाएंगे हम लोग। तो लवण्या पूरी रात की सोई नहीं है, मैं तो थोड़ी देर सो लेती हूँ दो तीन घंटे, लेकिन ये बच्चों देखिए उठ गई है। जैसे मैं आई ना लेटने लगी तो उठ गई, ना सोती है ना सोने देती है। ओए क्या हो गया बिट्टू? लवण्या बिट्टू वो खाना ओट्स, खाना ओट्स, ओट्स पा दूँ, ओट्स खाना ओट्स ओट्स ओट्स। और क्या कहते हैं वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और मन्नू देखिए बस हो रहा है। तो 12:15 हो चुके हैं, चाय चूहे हमने पी लिया। अब मैं मन्नू के लिए पहले बनाती हूँ काढ़ा, फिर उसके बाद इसको ना कुछ हल्का सा दूंगी खाने के लिए। कहता पूरा शरीर दर्द हो रहा है, बुखार है ना उसको। तो लवण्या तो अपना यहाँ पे सो रही है मैडम आराम से अभी, और इसको जब क्या कहते हैं लंच बनेगा दोपहर को तब उठाऊँगी इसको, और अभी ये सोने देती हूँ उसको। काढ़ा बनने के लिए रखा ही हूँ मैं मन्नू के लिए, और बाहर आ गई हूँ। बाहर धूप भी है, हवा भी चल रही है, और आज कपड़े कुपड़े तो तार पे देखो कोई भी नहीं है, क्योंकि कपड़े धोए नहीं है। और ये पेड़ भी जरा सारा सूख गया है, और पीछे हमारे इधर घर घर बन रहा है। और मन्नू लवण्या अंदर ही है, मैं थोड़ा सा घूम रही हूँ धूप में। तो मन्नू को यहाँ पे काढ़ा दे दिया पीने के लिए, ये काढ़ा पी रहा है। और क्या कहते क्या खाऊँगा, खिचड़ी बनावा दलिया बनावा की खाऊँगा? दलिया मीठा नमकीन मीठा टिड पा दूंगा मीठे दलिया ना, तो मीठा दलिया बना लेती हूँ, ये बच्चों भी खा लेगी। और रोटी बना लूँगी बस बाद में ना, दाल रोटी है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ नहा धो के, और यहाँ पे लवण्या बच्चों को इधर लेटा दिया धूप में, उधर से खिड़की से धूप आ रही है, तो आराम से धूप में लेटी हुई है। मन्नू जी यहाँ लेटे हुए हैं, और मन्नू के लिए मैंने यहाँ पर दलिया रख दिया, मन्नू भी खा लेगा, लवण्या भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। और अब मैं रोटी बना लेती हूँ लवण्या के उठने से पहले, बस अभी बर्तन साफ करने हैं, वो मैं भी थोड़ी देर रुक के करूँगी, बाकी सारा काम कुम ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे कबूतर आ चुके हैं, ये रोज आते हैं यहाँ पे खिड़की में, तो खिड़की में से वीडियो बना रही हूँ मैं, और वो बाहर बैठे, अगर जाऊँगी तो बाहर से उड़ जाएंगे वो। रोटी डाल के आती हूँ बाहर इनको ना। लब्बू रोटी देखे मैं कबूतर नू, रोटी बाढ़ गई, चलो खान दे आप अभी। तो यहाँ पे मन्नू का दलिया और दाल रोटी दे दिया है, और इसने कोल्ले के वहाँ रखी हुई है उधर, एक खा रहा है यहाँ। तो ये यहाँ पे दाल और दलिया रोटी खा रहा है, और यहाँ पे मैं और लवण्या लंच करने लगे हैं, और यहाँ पे धूप आ रही है बहुत अच्छी सी, है ना लब्बू? रोटी खाइए मुँह करिए इधर कैसे बैठी हूँ मुँह करके। लब्बू इधर देखो, इधर देखो, इधर लवण्या, इस बच्चे को बस रात को नींद नहीं आती है, दिन में सोती रहेगी, अभी उठी है खाना खाने के लिए, खा के फिर सो जाएगी, तभी रात को सोती नहीं है। तो लवण्या यहाँ पे सो रही है, और मैं और मन्नू परवर दवाई लेके आते हैं, मन्नू को दवाई दिला देती हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर ना मतलब शाम को ही आते हैं ना, तो वो कहीं निकल भी जाते जाते रुकते भी नहीं है। और लवण्या भी सो रही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी जाके आ जाते हैं। तो घर पहुँच चुके हैं हम लोग, ये दवाई दवुई लेके आए हैं मन्नू के लिए, और ये देखो पता नहीं क्या ढूँढ रहा है नीचे हैं। और क्या कहते हैं दवा, आज हमें 40 मिनट लग गए हैं, क्योंकि दूध भी लेके आना था ना, तो दूध भी लेने चले गए थे। और लवण्या शुक्र है कि सो ही रही थी, मतलब उठी नहीं, रो ही नहीं है, मतलब जैसे ही हमारे दरवाज़ा खुला तब इसकी आँख खुली, अभी भी नींद है इसकी आँखों में, क्योंकि दिन में सब सोती रहेगी रात को जागती रहेगी। तो बस अब इसको दवाई दे देती हूँ, और उन्होंने बोला है कि 2 दिन के बाद आके फिर चेक करवा जाना, लेकिन दवाई 5 दिन की दी है, 2 दिन के बाद जाके चेक करवा लूँगी, और इसकी रिपोर्ट वगैरह जो है ना वो सारी ले जाऊँगी साथ में। अभी 2 महीने नहीं हुए थे इसको ठीक हुए, तो फिर से इसको बुखार चढ़ जाता है, पता नहीं क्या बच्चा है ये, जरा सा क्या कहते हैं किसी बच्चे को ना स्कूल में बुखार था, किसी बच्चे को हल्का सा बुखार किसी बच्चे को कुछ भी होगा ना, तो फटाक से पता नहीं कैसे कैसे करके घर में लेके आ जाता है बुखार है उसको। और इसकी इम्यूनिटी वीक है ना, इसलिए इसको जल्दी बुखार चढ़ जाता है, जैसे कहीं किसी को बुखार होगा इसको फट से बुखार हो जाता है, पहले इसको ही हो जाता है, नाम सुनने की देर है बस इसको ना। की रब रहे हम तू मेरी बॉल बॉल तेरी इतने तो ना गई थी, नीचे गई थी
अच्छा। और मन्नू को ब्रेड खिला दिया था, ब्रेड खिलाने के बाद अब इसको दे रहे हैं दवाई, ये दवाई खाएगा फिर उसके बाद दलिया खा लेगा, और अगर कुछ खाना होगा तो रोटी रोटी बाद में बनाएंगे हम। और देखिए ये मैडम अभी तक सो रही है, उठने की तैयारी में है। और क्या कहते हैं इसको, जब से मैं कहती हूँ टाइफाइड हुआ ना मन्नू को, पहले तो 6-6 महीने बाद बुखार चढ़ता था, इस बार तो हद ही हो गया, 2 महीने नहीं बीते अभी ठीक हुए को कि अब 2 महीने बाद फिर से इसको बुखार, स्कूल में या कहीं पे भी किसी को भी जरा सा भी बुखार होता है या कुछ होता है ना, इसको फटक से इन्फेक्शन हो जाता है, पता नहीं कैसे इतना ये नाजुक बन गया, इसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है। हाँ मैगनेट है तू, सानू तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, कितनी तकलीफ होती है, दवाइयाँ खिलाते रहो दवाइयाँ खिलाते रहो, दवाइयाँ कितनी नुकसान करती है, काढ़ा बनाती हूँ ढंग से काढ़ा नहीं पीता ये, और जब से पता नहीं क्या हुआ इसको टाइफाइड हुआ तब से इसका ये बुखार ख़त्म ही नहीं होता है ना, बुखार ही नहीं ख़त्म होता, टेंशन टेंशन टेंशन, कभी ये बच्चों की तबीयत ख़राब, कभी इसकी तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब होती है मैं तो भूल ही जाती हूँ दवाई लेना, मेरा इतना बुरा हाल है मैं क्या कहते दवाई ले जा लेना ही भूल जाती हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ इन इन सब की देखभाल करते करते, इनकी सेवा करते करते अपने पर ठीक हो जाती हूँ। और खांगरी दवाई रोज मैं पानी गर्म करके लेके आ रही हूँ, ठीक है, तो खांसी की दवाई इसको मैं पानी गर्म करके लाती हूँ फिर उससे देती हूँ। तो ये 2 ढक्कन दवाई के और 4 ढक्कन इसमें गर्म पानी डाल दिया, थोड़ा सा गर्म पानी पी, ठीक है, ऊपर जरूर आराम ना पी पानी, ठीक है, कुट कुट करके दे, ज़्यादा गर्म ना हो पानी ध्यान रखें, ठीक है। और आज पानी क्या कहते हैं अब आया है 8:30 बजे ताज़ा पानी, अब टैंकी टूंकी भर जाएगी, अब मैं ना मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े धोने के लिए मशीन भी मैंने लगा दिया था, पानी अभी भी आ रहा है। और मन्नू को दवाई दवाई दे दिया, खाना खुना ऐसे खा लिया, अब मैं और लवण्या खाना खाने लगे हैं, और अभी रात के ना 10 बज गए, और लवण्या जस्ट अभी अभी उठी, अब पूरी रात नहीं सोएगी, तो मुझे बस ब्लॉग की एडिटिंग भी करनी है, तो अभी रात के 10 बज गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट शुभ रात्रि, बाय बाय।